नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय है हमारे शाम के न्यूज बुलेटिन का। आइए मेन हेडलाइंस के साथ करते हैं शुरुआत। पीएम मोदी के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, अब मात्र एक ही रात धर्मशाला में रुकेंगे मोदी। पद की गरिमा का ख्याल रखें सीएम, पीएम के कार्यक्रम का निमंत्रण देने गली गली क्यों घूम रहे। युवा कांग्रेस ने तोड़ी भूख हड़ताल, हिमाचल के सह प्रभारी संजय दत्त की अगुवाई में फैसला। अब फल भी खाएंगे स्कूली छात्र, मिड डे मील योजना के तहत हफ्ते में एक दिन मिलेंगे फ्रूट्स। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा, 13,919 को जारी हुए थे कॉल लेटर। ऊना में 75 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, पड़ोसियों को मौत की खबर देकर बेटा भी गायब। ज्वालामुखी पुलिस ने कुल्लू के युवक से पकड़ी आधा किलो चरस, ऐसे ले जा रहा था खेप। और अब समाचार विस्तार से। एचपीएमसी लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल एचपीएमसी का उद्देश्य। धर्मशाला में होने वाली मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि पीएम के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि पीएम मोदी यहां दो रातें गुजारेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मात्र एक दिन यानी 16 जून को ही पीएम मोदी धर्मशाला सर्किट हाउस में रात्रि ठहराव करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रात्रि ठहराव के साथ दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। पीएम मोदी 16 जून को देश भर के मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। अब नए कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी मात्र 16 जून को ही धर्मशाला सर्किट हाउस में रात्रि ठहराव करेंगे। हालांकि 16 जून को पीएम मोदी सुबह ही धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाएंगे। 16 जून की रात्रि को धर्मशाला सर्किट हाउस में ही रात्रि ठहराव करेंगे, जबकि 17 को शाम तक सीएम सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। हालांकि शाम को वापस लौट जाएंगे। हालांकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश में पहली बार दो दिन रहने का शेड्यूल प्रस्तावित था, जिसमें 16 व 17 जून को यहां रुकने की बात कही जा रही थी। इतना ही नहीं, राज्य भर में उसी तर्ज पर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार व जिला कांगड़ा प्रशासन को मिले शेड्यूल के तहत ही एक ही रात्रि का ठहराव पीएम का धर्मशाला में प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं और इस उपलक्ष्य में रिज में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को न्योता देने हॉली लॉज पहुंचे। इस पर प्रतिभा सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को घर घर जाने की क्या जरूरत है, वे शायद अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं, जबकि वह अपने कार्यकर्ताओं या पार्टी पदाधिकारियों को भी इस कार्य में लगा सकते थे। प्रतिभा सिंह ने यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उनके आवास हॉली लॉज पहुँचने के बाद दी है। हाँ, मैंने देखा उनको पड़ोस में, तो मैं उनको बोलने गई कि आओ ठाकुर साहब, सिंस हमारे गेट तक ही पहुंच गए थे। फिर उन्होंने, मैंने भी उनको आमंत्रित किया, बैठे वो आए, उन्होंने निमंत्रण भी दिया और मुझे कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में मंगलवार के दिन 8 तारीख को, क्या तारीख है, 31 मई को प्रधानमंत्री जी रिज के मैदान से लोगों को संबोधित करेंगे। तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं उनसे तो मैंने ये बात नहीं कही, पर मुझे लगा कि सीएम को इस तरीके से घर घर घुमाना, एक इनविटेशन देने के लिए, ये उस पद के लिए थोड़ा उस पद की गरिमा को गिराता है। जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का निमंत्रण लेकर हॉली लॉज पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं और रिज में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा। इसे लेकर भाजपा के लोग घरों में जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। जयराम ठाकुर के निमंत्रण पर
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा, यह काम मुख्यमंत्री का नहीं है। पार्टी पदाधिकारी भी निमंत्रण लेकर घर घर जा सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद यह काम करना पड़ रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा, कांग्रेस भविष्य में केंद्र से बड़े नेता को जरूर हिमाचल बुलाएगी, लेकिन इससे पहले केंद्र स्तर पर आयोजन को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत है, लेकिन राज्य को इस दौरे से जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जारी युवा कांग्रेस की हड़ताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले समाप्त हो गई। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की मौजूदगी में क्रमिक अनशन को तोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे से ठीक पहले युवा कांग्रेस ने क्रमिक भूख हड़ताल तोड़ दी है। इससे पूर्व युवा कांग्रेस पिछले करीब 15 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल कर रही थी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने यह हड़ताल शुरू कर दी है। रविवार को शिमला जिलाधीश कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की मौजूदगी में क्रमिक भूख हड़ताल पर फिलहाल विराम लगाकर अनशन को तोड़ दिया गया है। संजय दत्त ने कहा कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रदेश का सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हो, इसलिए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने अपने क्रमिक अनशन को 15 दिन में समाप्त कर दिया है। संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश के अन्य 11 जिलों में भी सोमवार को क्रमिक भूख हड़ताल वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो युवा कांग्रेस इस आंदोलन को विधानसभा स्तर पर और उग्र करेगी। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक विशेष योजना बनाई है। इसके अनुसार अब मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दोपहर के खाने के साथ फल भी दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा 12 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चे अब दोपहर के खाने के साथ फलों का स्वाद भी चखेंगे। पहली से आठवीं तक के बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील के तहत फ्रूट्स भी दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। तैयार किए गए प्रस्ताव में एक सप्ताह में एक दिन बच्चों को फल दिए जाएंगे। उन फलों में लोकल फ्रूट भी शामिल किया गया है। गौर हो कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से आठवीं के करीब 5 लाख बच्चे मिड डे मील का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है कि बच्चों के खाने में फल को भी शामिल किया जाए। तैयार किए गए प्रस्ताव में हर जिला में उगने वाले फलों की सूची तैयार की गई है, जिसे योजना में जोड़ा गया है। हिमाचल में बच्चों को फल देने को लेकर बनाए गए प्रस्ताव में 12 करोड़ का बजट शामिल किया गया है, जिसमें ये शर्त रखी गई है कि बच्चों को ताज़ा फल दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में स्टेनोटाइपिस्ट के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। लगभग 66 पदों को भरने के लिए 13,919 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रविवार को आयोजित की गई। बता दें कि स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 के 66 पदों को भरने के लिए 13,919 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई। अगर जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की बात की जाए, तो यहां पर स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा के लिए 600 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 257 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 343 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। वहीं आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का कहना है कि स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई।
हिमाचल के ऊना जिला के नंगडा गांव में एक 75 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला का शव घर के आंगन में ही बिस्तर पर पड़ा मिला है। वहीं मृतका का बेटा भी पड़ोस में मां की मौत की सूचना देकर गायब हो गया है। युवक का इस तरह घर से गायब होना भी एक पहेली बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। सदर थाना ऊना के तहत पड़ते गांव नंगडा में एक 75 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका की पहचान मेहरू देवी पत्नी स्वर्गीय हरमेश चंद के रूप में हुई है। मृतका का शव घर के आंगन में ही लगे एक बिस्तर पर पाया गया है। दरअसल आज सुबह मृतका के बेटे ने पड़ोसियों को अपनी मां की मृत्यु होने की बात कही और खुद घर से चला गया, जिसके बाद पड़ोसियों ने पंचायत प्रधान को मामले की जानकारी दी। फिर पंचायत प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एएसपी ऊना प्रवीण भीमान ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। अभी स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और स्पॉट इंस्पेक्शन से अभी बॉडी का निरीक्षण भी किया गया है, जिस पर अभी तक तो ऐसी कोई बात संदिग्ध कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही पता लगेगा कि मृत्यु के क्या कारण रहे। सर बेटा, ये गांव वाले बता रहे हैं कि जैसे इसकी डेथ हुई थी बुढ़िया की, तो गांव वालों को उस बेटे ने बताया था कि इसकी डेथ हो गई और मैं जा रहा हूं, तो बेटा इसके नशे की प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसकी तलाश की जा रही है। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नशा माफिया पर पुलिस लगातार शिकंजा कसे हुए है। इसी कड़ी में ज्वालामुखी पुलिस के हाथ भी एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आधा किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक किस तरह ले जा रहा था ये नशे की खेप और पुलिस ने किस आधार पर दबोचा शातिर, देखें इस रिपोर्ट में। पुलिस टीम ज्वालामुखी ने एएसआई विपिन कुमार के नेतृत्व में एक गाड़ी चालक से आधा किलो चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार नादौन ज्वालामुखी मार्ग पर डोली गांव के नजदीक गाड़ियों की चेकिंग के लिए पुलिस ने नाका लगाया था, तभी नादौन की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की कार में सवार व्यक्ति ने नाके के नजदीक आते ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने संदेह होने पर गाड़ी को रोका। पुलिस ने शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो कार के डैशबोर्ड से 506 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर आरोपी योगराज पुत्र सेसराम निवासी छलेरा चनान जिला कुल्लू के खिलाफ पुलिस थाना ज्वालामुखी में मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई जारी है। तो कैरिंग के पास डैशबोर्ड के अंदर एक पैकेट मिला, जिसमें खोलने पर चेक किया तो उसमें चरस पाई गई है, जो मौका पर तोली गई। प्रधान वार्ड बेंच और मुलाजमानों के सामने तोली गई है। तो ये पैकेट से 516 ग्राम और पैकेट से निकालकर जब पत्तियां तोली गई हैं तो 506 ग्राम पाई गई है। अब चलते चलते जून के पहले हफ्ते में दस्तक देगा मानसून, सोमवार से आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। कुल्लू के बहना सड़क से खड्ड में गिरी कार, ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। भराड़ी छिंज मेले में मिलकर कुश्ती ना लड़ने पर रोहतक के रेसलरों ने यूपी के पहलवानों पर किया खूनी हमला। शिमला के तारा देवी के पास पंजाब रोडवेज की बस में सवार व्यक्ति से 13.99 ग्राम नशा बरामद। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।